रायपुर से बड़ी खबर, राजेंद्रनगर के बीएस यूपी कॉलोनी में सब्जी वाले उसने पर झड़प, दो गुटों में पत्थरबाजी होने की खबरें आ रही हैं, साथ में तलवारें भी चली। पुलिस ने कई संदिग्धों को हिरासत में लिया है। बीएस यूपी कॉलोनी में पथराव की खबर, राजेंद्रनगर के बीएस यूपी कॉलोनी का पथराव के तस्वीरें जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, रायपुर से बड़ी खबर। अधिक जानकारी के साथ हेमंत शर्मा जुड़ गए। हेमंत, क्या पूरा मामला था, किस वजह से पथराव और तलवारबाजी हुई? देखिए, ये जो पूरी घटना है वो राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के बीएसओपी कॉलोनी की है। बीएसओपी कॉलोनी दो भागों में बटा हुआ है और एक भाग में लॉकडाउन के दौरान एक सब्जी वाले का प्रवेश हुआ था, तभी वहां के आसपास लोगों ने इसका विरोध किया और वहां से उस सब्जी वाले को जाने को कहा गया, लेकिन इसी बीच विवाद बढ़ा और विवाद इतना बढ़ा कि दो गुटों में मारपीट तक हो गई और उसके बाद कुछ और 150 से करीबन लोग वहां पर प्रवेश कर गए और इस तरीके से वहां पर पत्थरबाजी भी देखने को मिली, तलवार लहराए जा रहे थे। मौके पर जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, मौके पर तमाम जो पुलिस काला अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं। हालांकि अभी जो मामला है वो साफ नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी एहतियात के तौर पर पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। अगर देखा जाए तो कार्रवाई पुलिस की ओर से की गई है और लगभग दोनों पक्षों की तरफ से 20 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद जो तथ्य सामने आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें कितने लोग घायल हो गए हैं दोनों पक्षों से हेमंत? देखिए, लगभग 10 से 15 लोगों के घायल होने की सूचना अभी आई है दीपक, और जिसमें से 2 से 3 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, क्योंकि दोनों ओर से पत्थर बरसाए जा रहे थे और इसी की वजह से चोटें ज्यादा 2-3 लोगों को आई है। इसके अलावा जो घर हैं, घर के शीशे पर भी यहाँ पर पथराव किया गया है, जिसके वजह से जो शीशे हैं वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं और इसके अलावा इसमें से 2-3 बुजुर्गों को भी यहाँ पर चोटें आई है, उनको भी अभी मुआवजा के लिए भेजा गया है। पुलिस की टीम अभी सभी जो हिरासत में लिए गए लोग हैं उनसे पूछताछ कर रही है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका।